हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप अपने स्क्रीन का 360 पी में कर लें, तभी आपको ये साफ साफ नोटिस दिखेगा। और मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन घंटा दबा के ALL पे रखिएगा, तभी मेरा वीडियो आप तक पहुंच पाएगा। और मैं इसी तरह अपडेट करता हूँ जॉब से रिलेटेड, करंट अफेयर्स और साथ में टूरिस्ट प्लेस का। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रामगढ़ के अधीन केंद्र प्रायोजित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप कौन सा पद है। तो पद है आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी। ठीक है, टोटल है आपका कुल है 7। ठीक है, उसमें से अनारक्षित का है 4, जनरल का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, फिर पिछड़ा वर्ग के लिए है ही नहीं है, फिर अनुसूचित जाति के लिए 0, फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 2। अब चलते हैं आगे। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो मतलब आप OBC हैं तो 4 जनरल में भर सकते हैं। ठीक है, या फिर अनुसूचित जाति से हैं, और अगर आप में है हिम्मत तो जनरल में भर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं नीचे। तो योग्यता क्या होना चाहिए, देख सकते हैं, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। ठीक है, 55%, और समान स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55% से कम है। ठीक है, परंतु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। ठीक है, सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ कंडीशन है, ये अनिवार्य हो गया। ठीक है, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए। और अगर आपका अतिरिक्त कोई है, जैसे कि MBA किया हुआ, ठीक है, देख सकते हैं BCC कंप्यूटर, ये सब है। ठीक है, आप देख लीजिएगा अगर, और वीडियो रोक के। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं फटाफट नीचे। तो आपका आयु सीमा कम से कम न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम देख सकते हैं, अनारक्षित के लिए 35, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37, महिला अनारक्षित पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा 38, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष एवं महिला का 40 वर्ष। ठीक है, तो आपका आयु सीमा जो है, जन्म तिथि आपका 1/8/2019 से देखना होगा। ठीक है, कि आपका कितना साल हुआ है। ठीक है, 18 से हुआ है कि कितना, 25 साल, 26 साल, तो जो भी होगा, तो 1/8/2019 से देखिएगा अपना जन्म तिथि, और 1/8/2000 से घटाना जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो आप भारत का नागरिक होना, नागरिक हो। ठीक है, आवेदक। और चौथा में देख सकते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आरक्षण रोस्टर रामगढ़ जिला को राज्य सरकार के द्वारा तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, आपको 19,500 दिया जाएगा प्रतिमाह, अथवा राज्य द्वारा समय समय पर यथा निर्धारित राशि के आधार पर पुनरीक्षित मानदेय। ठीक है, अब चलिए नियुक्ति का प्रकार, तो देख सकते हैं, वीडियो रोक के देख लीजिएगा, जो ज़रूरत है मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सातवां नंबर पे देखते हैं, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर नियुक्त हेतु झारखंड राज्य के निवासियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, झारखंड के सभी जिला के आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही सभी अभ्यर्थी को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ठीक है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र दिनांक 2/6/2018 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, साथ ही पूर्व में मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप पहले भी मनरेगा में काम किए हैं तो आपको बेनिफिट दिया जाएगा, मतलब कुछ फ़ायदा दिया जाएगा। ठीक है,
अभ्यर्थी द्वारा 8वें नंबर पर दे सकते हैं, अभ्यर्थी द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन दिया जा सकेगा, ठीक है। मान लीजिए आप दो दूसरे जगह भी मनरेगा में आवेदन दिए हैं तो आपका दिक्कत हो सकता है, ठीक है। जैसे आगे देख सकते हैं, उसे आवेदन के साथ यह शपथ पत्र देना होगा कि झारखंड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है, ठीक है। यदि उनका यह शपथ पत्र कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जाएगी, ठीक है, साफ साफ लिखा गया। तो चलिए प्रमाण पत्र के साथ अनुल्लंघन क्या क्या देना है, ठीक है। तो देख सकते हैं, आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्वाभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र आदि दावा करते हैं तो, ठीक है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी के पहचान पत्र, ठीक है, पता प्रमाण पत्र। और साथ में देखिए पहचान पत्र क्या चाहिए, तो मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक प्रमाण पत्र, ठीक है। और पते का प्रमाण जैसे बिजली बिल, बैंक खाता विवरण, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, इनमें से कोई एक। अंतिम तिथि है आपका 28/9/2019, ठीक है। आप 28/9/2019 तक 5 बजे तक जमा कर सकते हैं, किसके द्वारा, डाक डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा, ठीक है। तो कहाँ जमा करना है देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं पोस्ट द्वारा उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक रामगढ़ के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रामगढ़ में भेजा जा सकता है, ठीक है। ये आपका एड्रेस है, ठीक है, जहाँ पोस्ट करना है। अगर आप ये फॉर्म वगैरह ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये साइट दिया हुआ www.ramgarh.nic.in, ठीक है। तो देख सकते हैं, ये रहा फॉर्म।